एक दिन की बात है, एक जंगल में पंछियों का एक झुंड पेड़ पर खेल रहा था। उस झुंड में एक सबसे छोटी पंछी थी। वह बहुत ही प्यारी और सबसे तेज थी। उसका नाम बुलबुल था। सभी चिड़िया उसका ख्याल रखती और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। बुलबुल जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उसे एक पेड़ की डाल पर एक मोतियों का हार मिला। हार बहुत ही सुंदर और चमकदार था। बुलबुल को रहा नहीं गया, उसने अपने गले में उस हार को डाल लिया। उसके साथी बुलबुल को हार मिलने पर बधाई देने लगे और सबने बोला कि उस पर यह हार जच रहा है। बुलबुल तुरंत अपने माँ के पास गई और उसे यह हार दिखाया। उसकी माँ ने बुलबुल से काफी पूछताछ करने लगी कि उसको यह हार कहाँ से मिला है। बुलबुल माँ से नाराज होकर वापस अकेले ही जंगल में चली गई और एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। बुलबुल सोचने लगी, सभी ने मेरी तारीफ की बस माँ को छोड़कर, उसे तो बस हार की पड़ी थी। एक बार भी माँ ने नहीं बोला कि यह हार मुझ पर कैसे लग रहा है। इतने में कुछ सिपाही वहाँ आए और बुलबुल पर जाल डालकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। इधर बुलबुल की माँ उसे ढूंढ रही थी और बुलबुल उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वह परेशान थी कि आखिर बुलबुल कहाँ चली गई। सिपाही जब बुलबुल को अपने साथ ले जा रहे थे तो एक पंछी ने देख लिया। बुलबुल को सिपाहियों से बचाने के कारण उस निर्दोष पंछी की हत्या सिपाहियों ने कर दी। यह देखकर बुलबुल डर गई और चुपचाप सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही बुलबुल को राजा के दरबार में ले गए। बुलबुल वहां अपने को अकेला पाकर घबरा रही थी। बुलबुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे यूं दरबार में क्यों लाया गया है कि तभी एक सिपाही ने बोला, हुजूर मैंने रानी का हार चोरी करने वाले इस पंछी को पकड़ लिया है। राजा ने बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि ये पंछी ही चोर है। सिपाही ने बताया कि चोर को ढूंढते ढूंढते वह सभी जंगल में पहुंच गए थे कि तभी एक पेड़ पर इस पंछी के गले में मैंने रानी साहिबा का हार देखा तो हमने इस पर जाल डालकर पकड़कर आपके सामने पेश किया है। राजा गुस्से में पंछी से बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे रानी के गले से हार चोरी कर उसे पहनकर घूम रही हो। बुलबुल बोली, राजा साहब मैं निर्दोष हूँ, सिपाहियों से जरूर कोई गलती हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने बोला, क्या गलती हुई है, क्या तुम हार पहनकर जंगल में घूम नहीं रही थी। बुलबुल ने बोला, मैं तो घूम रही थी पर रानी का हार मुझे एक पेड़ की डाल पर मिला था, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने पंछी को तुरंत ही प्राणदंड का हुक्म दे दिया। बुलबुल ने सोचा, सच बोलने से कोई मेरे पर यकीन नहीं कर रहा है, एक बार झूठ ही बोलकर देखती हूँ, क्या मालूम मेरी जान भी बच जाए। बुलबुल ने राजा को बोला, राजा साहब मैं सच बोल रही हूँ कि हार मैंने नहीं चुराया, लेकिन मैं यह बात जरूर जानती हूँ कि हार किसने चुराया और वह व्यक्ति अभी यहाँ दरबार में मौजूद भी है और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मुझे घूर भी रहा है। राजा ने बुलबुल से पूछा, कौन है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी उसने किया है। बुलबुल बोली, वह व्यक्ति राजमहल से हार चोरी कर छुपा रहा था तो मैंने उसके सर पर अपने एक पंख गिरा दिया है और वह पंख अभी भी उसके सर पर ही है। बुलबुल ने जोर से बोला, देखो देखो उसके सर पर पंख है। इतना कहते ही एक सिपाही राजा के दरबार से भागने लगा। सबने उस सिपाही को पकड़ लिया और देखा तो उसके सर पर कोई पंख नहीं था। राजा ने फिर उस बुलबुल को कहा, मैं समझ गया कि चोरी इस सिपाही ने की है और तुमने अपनी बुद्धि से अपनी जान और असली चोर को भी पकड़ाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने फिर बुलबुल को छोड़ दिया और असली चोर को सजा दी। बुलबुल को अब माँ की बात याद आ रही थी, माँ इतना क्यों पूछ रही थी, कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ।